जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने रानीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। तीनों आतंकियों के पास से एक AK-47 और 2 पिस्टल बरामद हुई है। आपको बता दें कि जून में अब तक 15 एनकाउंटर में 50 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। तो आतंकियों के पास से एक AK-47 और 2 पिस्टल बरामद हुई। जिस जगह से बरामद हुई और जहां पर आतंकियों को मारा गया, वो तस्वीरें कुछ समय पहले की आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ आसिफ सुहाव जुड़ गए हैं। आसिफ, बहुत बड़ी कामयाबी है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी का भी कहना है कि इसमें जो मिलिटेंट मारा, ये पिछले कई सालों से सक्रिय था और डोडा से एक्टिवेट था इस इलाके में। डोडा में पहले सक्रिय था, वहां पर एक रेप केस में शामिल होने के बाद उसने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया था और तभी से वो सक्रिय था दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में। इसके अलावा लश्कर तैयबा का दूसरा स्थानीय कमांडर भी इसमें मारा गया है, जो अनंतनाग इलाके का रहने वाला है और एक और मिलिटेंट हिजबुल मुजाहिदीन के साथ बताया जा रहा है इसमें शामिल था। तो जाहिर सी बात है, इन तीनों का मारा जाना यहाँ पर फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी है और इसके साथ साथ डोडा जो है वो पुलिस के मुताबिक अब मिलिटेंसी फ्री हो गया है। इस कमांडर जो लश्कर तैयबा का था मसूद, उसके मारे जाने के बाद। जी बिल्कुल, इन तीनों का एनकाउंटर करने के बाद ये आंकड़ा अब 50 हो चुका है। महीने भर में 50 आतंकियों को मारा है हमारे सुरक्षा बलों ने। शुक्रिया आपका। जम्मू कश्मीर में 2 महीने के लिए LPG सिलेंडर का स्टॉक करने की खबरों का सरकार ने खंडन कर दिया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि मॉनसून के दौरान भारी बारिश के चलते बार बार सड़कों के टूटने की वजह से सिलेंडर्स के भंडारण का आदेश दिया गया था।